अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन? ओके. टुडे इज आवर चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्ड टर्म, चैप्टर नंबर 7, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? इन दिस चैप्टर वी कैन लर्न व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस and what is program, what is command, what is algorithm, what is flowchart, what is computer program and what is block diagram. In this chapter we can learn these points that you can able to learn different types of programming languages. सबसे पहले first of all हमारे mind में question आता है what is program. You all are using mobile phones, you all are using laptops, is it? So program को हम another word में क्या कहते हैं? कोई भी software, like एक daily routine में आप क्या करते हैं? कोई भी plan बनाते हैं. If you want to eat some food, तो आप कोई plan बनाते हैं कि हमें restaurant जाना है. Same that अगर हम computer में कोई भी program करते हैं, तो अगर आप घर में कोई plan करते हैं, कोई program करते हैं, उसको step by step done करते हैं. तो सेम डैट अगर आप कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम को डन करते हैं, तो आप लोग कोई भी प्रोग्राम का कोई सॉफ्टवेयर चूज करेंगे जिसके जरिए आप अपने टास्क को डन करेंगे. ठीक है. अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर कैन इंटरप्ट एंड कैरी आउट. प्रोग्राम क्या है? ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं दैट कैन इंटरप्ट एंड कैरी आउट. An instruction is also called a command. Suppose आप computer को कहते हैं 2 + 3 = 5. So आपने उसको instruction दी program के according, step by step. पहले आपने 2 दिया, फिर plus किया, फिर 3 किया, फिर उसने answer दिया आपको 5. तो हमारी programming को उसने क्या किया? Done किया और हमें results provide किया. So we can say that an instruction is also called a command. Command क्या होता है? ऐसी instructions जिसको हम done करते हैं, it is called a कमांड. कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन द स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक आपके मोबाइल में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड होते हैं, उनको भी हम कहते हैं. लेकिन इफ यू वांट टू राइटिंग अ लेटर, इफ यू वांट टू क्रिएट अ सैलरी शीट, इफ यू वांट टू मेक अ प्रेजेंटेशन, सो यू कैन चूज डिफरेंट प्रोग्राम्स दैट यू कैन डू अ स्पेसिफिक टास्क ऑन द कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन्स. Programs are written in the way that the computer can understand and follow. Computer का program क्या होता है? Written होता है in a way that the computer can understand and follow. ऐसी instruction जो computer को understand, as you all of know, computer understand only binary languages. ठीक है? But हम लोग in this chapter we can learn different types of programming languages. जिसके जरिए हम अपने program को done करते हैं और different tasks को done करते हैं. उसके बाद है नेक्स्ट आर टॉपिक इज एल्गोरिथम. व्हाट इज एल्गोरिथम? टॉपिक इज एल्गोरिथम. एल्गोरिथम मींस यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स इन द स्टेप बाय स्टेप मैनर्स. यानी आपकी डेली लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को जितना इजीली एंड क्विकली डन करते हैं, बट अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप डन करते हैं उन प्रॉब्लम्स को, सो वी कैन से दैट वी कैन चूज द एल्गोरिथम टॉपिक. ठीक है. हम लोग उस टॉपिक को, इस वर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को किस तरह एनालाइज करते हैं, किस तरह डिफाइन करते हैं इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर. सो वी कैन से दैट एल्गोरिथम इज द स्टेप बाय स्टेप मैनर्स दैट यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम in a step by step manners. An algorithm is an organized set of instructions. Suppose हमारे पास बहुत सारी instructions हैं और हमने उन instructions को learn करना है. Suppose आपको learning के लिए कुछ homework मिलता है, आप सारा homework एक साथ तो नहीं learn कर सकते. आप उस चीज को divide कर देते हैं different days में, different weeks में, months में, इस तरह divide करते हैं. फिर आप उस topic को step by step learn करते हैं, तो उससे आपको क्या होता है, चीज easily learn भी हो जाती है. So आप अपनी problems को, daily life को की problems को अगर आप easily step by step manners में डन करते हैं, तो यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम इन अ वेरी इजीली एंड एफिशिएंट मैनर्स. इट्स ऑफन हेल्प अस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड इट इज यूज्ड टू मेक कैलकुलेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग. एल्गोरिथम हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है डाटा प्रोसेसिंग. व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग? डाटा प्रोसेसिंग कैन वर्क इन द 4 स्टेजेस. हाउ कैन डाटा प्रोसेस डाटा? इनपुट,
प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज। देखिए हम डेली लाइफ में कुछ भी खाते हैं, ठीक है, वो इनपुट हो गया, वो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, इट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। हम कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं, रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बोल रहे हैं अच्छा, तो इट्स आउटपुट, ठीक है। और जो कुछ भी स्टोर रहती है बातें हमारे माइंड में, इट इज कॉल्ड योर स्टोरेज डिवाइसेस। सेम डैट हम कंप्यूटर के अंदर भी कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, इट इज कॉल्ड इनपुट। एनीथिंग दैट इज गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। प्रोसेसिंग वर्क डन बाय द कंप्यूटर, जो चीजें भी आप डन कर रहे हो, इट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। एंड आउटपुट एनीथिंग दैट कंप्यूटर गिव्स अस इज कॉल्ड आउटपुट। एंड स्टोरेज दैट यू कैन स्टोर इन योर कंप्यूटर इन एनी वे इन एनी डाटा, सो इट इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस आपकी टू होती है, एक सेकेंडरी होती है और एक प्राइमरी होती है। सेकेंडरी कौन सी होती है? जिसके अंदर आप डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। जैसे आपके घर में, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल फोन्स में डिफरेंट डाटा होगा, आप उसको लाइक आपके चाइल्डहुड की पिक्चर्स हैं, वो डाटा स्टोर होता है आपके कंप्यूटर में, आप उसको जब चाहें देख सकते हैं। इट्स मीन दैट यू कैन स्टोर योर डाटा परमानेंटली। टेम्प्रेरी, सपोज लाइट चली जाती है, हम वर्क कर रहे हैं और हमने उसको सेव नहीं किया, तो हमारा डाटा उसमें क्या होगा, टेम्प्रेरी स्टोर होता है। अब आपकी बुक में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एग्जाम्पल उन्होंने गिवन किया, आ रेसिपी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एल्गोरिथम। गर्ल्स को तो कुकिंग का बहुत शौक होता है, अगर वो कुकिंग करती हैं तो उनको अगर कुकिंग को अपनी स्टेप बाय स्टेप मैनर्स में डन करेंगी, यानी इंग्रेडिएंट्स कब डालने हैं, कब क्या करना है, तो आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे एल्गोरिथम टू मेक अ फ्रेंच टोस्ट। सबको पसंद है ना फ्रेंच टोस्ट? सबसे पहले जब भी हमने फ्रेंच टोस्ट को मेक करना है, हमारे स्टेप्स क्या होंगे? ब्रेक एंड एग इन अ बाउल। सबसे पहले आपने क्या कहते हैं, अंडे को तोड़ना है एक बाउल में। एड अ लिटिल मिल्क एंड शुगर, आपने उसमें थोड़ा सा मिल्क डालना है एंड शुगर। बीट वेल फॉर अ मिनट, आपने उसको बहुत अच्छी तरह बीट करना है एक मिनट के लिए। डिप अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, आपने जो सब बाउल में मटेरियल किया है मिल्क का, एग का, शुगर का, तो उसको जब आपने बीट कर लिया, उसके अंदर आपने डिप क्या करना है, डिप अ स्लाइस ऑफ ब्रेड इन द एग मिक्सचर। हीट अ स्पून ऑफ ऑयल इन द पैन, आपने क्या करना है, हीट अ स्पून ऑफ ऑयल, आपने उसको लाइट सा हीट करना है उस पैन में जिसमें आपने डिप किया, और फिर उसको ऑयल को आपने उस पैन में, जो ब्रेड है आपने उसको पैन में डाल दिया। फ्राई द ब्रेड, फिर आपने उसको लाइट फ्लेम पे उसको ब्रेड को फ्राई करना है, एंड देन सर्व, आप उसको इजीली इन अ गुड वे में आप उसको सर्व कर सकते हैं। सो आज हम लोगों ने, आज तो वैसे भी वेदर भी बहुत मजे का है, तो आप ट्राई कर सकते हैं कि फ्रेंच टोस्ट आपने किस तरह बनाना है। सबसे पहले ब्रेक एन एग इन अ बाउल, एड अ लिटिल वाटर, लिटिल मिल्क एंड शुगर, बीट वेल फॉर अ मिनट, डिप अ स्लाइस ऑफ ब्रेड इन द एग मिक्सचर, आपने उसको मिक्सचर को डन करना है, हीट अ स्पून ऑफ ऑयल इन अ पैन, फ्राई द ब्रेड एंड देन सर्व। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज गिवन टू द इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड अ कमांड एल्गोरिथम। यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स इन द स्टेप बाय स्टेप मैनर्स। What is flowchart? Flowchart is the pictorial representation of algorithm. Flowchart क्या होती है? Pictorial. Pictorial किससे निकला है? Derived है word, picture से word है, ठीक है? यानी कि हम अपनी चीज को picture form में किस तरह represent कर रहे हैं। तो flowchart क्या है? Flowchart is used to represent an algorithm visually. जैसे हम किसी भी चीज के steps बना लेते हैं, तो हम अपने flowchart में भी हम different, जैसे आपके सामने flowchart show हो रहा है कि हमने इस डायग्राम के जरिए किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम अपने प्रॉब्लम्स को किस तरह क्विकली एंड एफिशिएंट वे में डन कर रहे हैं। तो हम इस सिंबल्स के जरिए, जैसे ओवल सिंबल एंड स्टार सिंबल एंड एंड सिंबल, यानी ओवल सिंबल इज यूज्ड टू स्टार्ट एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। और ये आपके सामने प्रोसेसिंग सिंबल नजर आ रहे हैं, जिसके जरिए हम अपने डाटा को क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। A flowchart is used to represent an algorithm visually. Flowchart make it easier to understand algorithms and find errors in the sequence of steps. यानी जब हम अपनी problems को एक sequence में डन करेंगे, एक step by step manner में डन करेंगे, तब हमें अपनी problems easily पता भी चल जाएगी कि हमारी mistake कहाँ पे है और हमने उस problem को किस तरह identify करना है और किस तरह correct करना है। ऐसे ही है ना, हम अपनी प्रॉब्लम्स को जब हम स्टेप बाय स्टेप में कर लेंगे तो हमें इजी होगा कि हमने प्रॉब्लम्स को किस तरह डन करना है।
सो इन दिस चैप्टर वी कैन लर्न, जैसे आपके सामने कुछ डायग्राम शो है, स्टार्ट स्विच ऑन द पावर सप्लाई, प्रेस द पावर बटन ऑन द सिस्टम, ओपन द स्टार्ट मेन्यू, व्हाट यू वांट टू डू ऑन द कंप्यूटर एंड एंड. Same time, here is a flow chart which shows the step of starting up the computer. यानी ये flow chart represent कर रहा है कि आप अपने documents को किस तरह done करते हैं और किस तरह आपने जब computer चलाना है सबसे पहले आप किस तरह computer को start करते हैं. जब भी आपने कोई भी चीज को start करना है, you can use the with the help of flow chart, you can use the oval symbol to start and end of the flow chart. जब भी आपने कोई चीज start करनी है flow chart की diagram में, you can use the oval सिंबल टू स्टार्ट एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम. उसके बाद है प्रोसेसिंग सिंबल, देखें स्विच ऑन द पावर सप्लाई, आपने स्विच लगाया, प्रेस द पावर बटन, आपने सिस्टम यूनिट का बटन को क्या किया, प्रेस किया ऑन द सिस्टम, आपने सिस्टम को प्रेस किया, ओपन द स्टार्ट मेन्यू, आपके सामने एक स्क्रीन शो होगी, डेस्कटॉप स्क्रीन जिसे हम लोग कहते हैं, व्हाट यू वांट टू डू ऑन द कंप्यूटर, जो भी आप टास्क, इफ यू वांट टू लाइक अ पेंटिंग यू कैन चूज द पेंट ब्रश प्रोग्राम, पेंटिंग प्रोग्राम. तो आप इस तरह इस फ्लो चार्ट के जरिए आप कोई भी टास्क को डन कर सकते हैं. जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं होती कि कैसे कंप्यूटर चलाना है, तो इस फ्लो चार्ट के जरिए, इन स्टेप्स को के जरिए वो कंप्यूटर को इजीली चला सकते हैं. सबसे पहले उन्होंने क्या करनी है, स्विच ऑन द पावर सप्लाई, आपने बटन ऑन करना है, प्रेस द पावर बटन जो आपके सिस्टम यूनिट का बटन बना हुआ है, और ओपन द स्टार्ट मेन्यू टू चूज व्हाट यू वांट टू डू ऑन द कंप्यूटर. और फिर आपने चूज करना है जो भी आपने काम करना है, लाइक इफ यू वांट टू प्लेइंग डिफरेंट गेम्स और पेंटिंग एंड अदर थिंग एंड यूजिंग इंटरनेट, जो आप पे डिपेंड करता है. जब आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा तब आप इजीली चीजों को असेस कर सकते हैं. इसके बाद आपकी बुक में गिवन है विज कमांड, डू नॉट रन अराउंड इनसाइड द कंप्यूटर लैब. जब भी आप कंप्यूटर लैब में जाएं तो कभी भी रनिंग मत करें, आप जाएं इजीली कंफर्टेबल अपनी सीट पे बैठें, और सबसे पहले आपने क्या करना है, स्विच द पावर सप्लाई, बटन को ऑन करना है, एंड देन प्रेस द पावर बटन ऑन द सिस्टम यूनिट. फिर आपके सामने स्क्रीन होगी, फिर आपको जो भी मैम आपकी टास्क देगी उसको आपने उसको इजीली डन करना है. नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 55. इसमें गिवन है राइट एन एल्गोरिथम, आपने अपनी खुद से आपके लिए एक्टिविटी है, आपने उसको किस तरह डन करना है, टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट शोइंग द करेक्ट वे ऑफ शट डाउन द कंप्यूटर. आप सब लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग कंप्यूटर के साथ कनेक्ट भी हैं, तो जब भी आप लोगों ने, आपको पता है कि किस तरह आप लोग करते हैं करेक्ट द शट डाउन द कंप्यूटर, आप यानी अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं. क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार, सबसे पहले आप क्लिक करते हैं टास्क बार पे, क्लिक ऑन द शट डाउन बटन, वेट फॉर अ कंप्यूटर एंड शट डाउन, आपने वेट करना है एंड देन उसको क्या करना है, शट डाउन. फिर उसमें थ्री ऑप्शंस आते हैं आपके पास, यू कैन सेलेक्ट द स्विच ऑफ द कंप्यूटर, स्विच ऑफ द सिस्टम यूनिट, स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई. आप पावर सप्लाई को टर्न करेंगे आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा. सेम इसी तरह इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपने एल्गोरिथम भी राइट करना है और फ्लो चार्ट भी राइट करना है. ये आपके बुक पेज नंबर 55 पे गिवन है एक्टिविटी, ये आपने खुद डन करनी है कि आपने उसका एल्गोरिथम भी लिखना है, शट डाउन किस तरह करते हैं, और आपने उसका अबाउट फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करना है. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम. व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ काइंड ऑफ एल्गोरिथम. ये भी एक एल्गोरिथम की ही टाइप है, ठीक है. कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ काइंड ऑफ एल्गोरिथम, कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह डिफाइन करते हैं इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर्स. इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट स्पेसिफिक टास्क टू परफॉर्म व्हाट ऑर्डर, कि आपको ऑर्डर क्या गिवन किया है और आपने उस टास्क को कितना क्विकली एंड एफिशिएंटली डन करना है. इट गिव्स अस इंस्ट्रक्शंस टू कैरी आउट अ टास्क, आपने इंस्ट्रक्शन देनी है कैरी आउट अ टास्क सच एज द कोर्स ऑफ एक्शन इन द गेम. अगर आप कोई भी गेम खेलना चाह रहे हैं तो आप इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपने ये चीज प्ले करनी है, तो वो आप उसको स्टेप बाय स्टेप डन करेंगे, तो आप उस गेम में डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको प्ले भी कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास गिवन है, कैन यू गिवन एन एग्जांपल ऑफ एन एल्गोरिथम फॉर अ कंप्यूटर प्रोग्राम, क्या आप खुद से दे सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम की एग्जांपल. स्टेट व्हाट द एल्गोरिथम इज फॉर एंड देन लिस्ट द स्टेप्स, आपने स्टेप्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दे कुड इंक्लूड प्रोग्राम फॉर ओपनिंग अ फाइल, डिस्प्लेइंग स्कोरिंग ड्यूरिंग अ गेम, सेविंग अ फाइल, प्रिंट फाइल. ये भी आपको वैसे आपने इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं,
अगर आप लोग इंटरनेट यूज करना आता है आपको, तो आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं अपनी सिस्टर्स की भी, और उसके अलावा आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। उसके बाद आपकी बुक में गिवन है विज बाइट, अ कंप्यूटर प्रोग्रामर इज अ पर्सन हु राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर आप कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन यू विल बी एबल टू, क्या कहते हैं, वन डे आप इंशाल्लाह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके एक बहुत बड़े प्रोग्रामर भी बन सकते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्रामर इज अ पर्सन हु राइट्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम। व्हाट इज ब्लॉक डायग्राम? Block diagrams are connected by arrows to show the relationship between the R card block diagram. यानी आप अपनी चीज को, अपने डॉक्यूमेंट्स को एक पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक डायग्राम। जैसे आपके सामने गिवन है, जैसे मी, सिस्टर, फादर, मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, we use block diagram to show the connection between different family members. आप इस डायग्राम के जरिए अपने डिफरेंट फैमिली मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स भी खुद से भी लगा सकते हैं, इस तरह की आप नेक्स्ट पेज पे आप गिवन होगी कि आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। पेज नंबर 58 पे आप डायग्राम इस तरह की ड्रॉ कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, नेक्स्ट सिस्टर की पिक्चर, फादर की पिक्चर, मदर की पिक्चर, आपके ग्रैंड फादर की पिक्चर एंड ग्रैंड मदर के। इस फॉर्म में आप अपनी डाटा को जो एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक डायग्राम। इट इज कॉल्ड अ ब्लॉक डायग्राम दैट इज कनेक्टेड बाय द एरोस टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द आर कार्ड ब्लॉक डायग्राम। जैसे आपका आप हैं और आपकी सिस्टर्स, फादर और मदर का रिलेशन, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर का रिलेशन, तो इस डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक डायग्राम। दिस इज माई फैमिली ट्री, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी फैमिली ट्री के क्रिएट करके। उसके बाद आपकी बुक में गिवन है पेज नंबर 58 पे, ड्रॉ योर फैमिली ट्री यूजिंग अ ब्लॉक डायग्राम। आपने अपनी पिक्चर, अपनी सिस्टर की, अपनी मामा की, अपने बाबा की, अपने ग्रैंड फादर की, ग्रैंड मदर की पिक्चर लेकर आप उसको ब्लॉक डायग्राम के अंदर शॉर्ट फॉर्म में भी पेस्ट भी कर सकते हैं, और वैसे आप जस्ट नेम भी मैंशन कर सकते हैं, बट आपने इसी तरह इसी फॉर्म में ही ब्लॉक डायग्राम को डिजाइन करना है। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है, फाइंड टू वर्ड इन द चैप्टर दैट आर सिमिलर इन द मीनिंग। जैसे आर ई, तो आर ई से नेक्स्ट वर्ड्स कौन से बनेंगे, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, सी ओ कनेक्शन, आप नेक्स्ट वर्ड क्या करेंगे, कनेक्शन, रिलेशनशिप, कनेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इनेबल्स प्रोग्रामर्स टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर थ्रू कमांड्स दैट व्हाट आर द प्रोग्रामर एंड द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, जिसके जरिए आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो कमांड्स को डन करें। कमांड्स में हमने पढ़ा था एनी इंस्ट्रक्शन दैट इज गिवन टू द कंप्यूटर विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ कमांड। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज डिफरेंट कमांड। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लाइक जावा है, फोर्ट्रॉन है, पास्कल है, C++ है, they are the programming languages that can do a specific task on the computer. In all programming languages, the programmer must follow specific rules. जब आप programming rules का, जैसे हम कोई भी game play करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसके rules को understand करते हैं. Same that, अगर आप कोई भी programming languages को काम करते हैं, उस पर किसी task को done करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके rules को follow करना पड़ेगा. Then you will be able to do any task. In all programming languages, the programmer must follow specific rules on the each types of command. अब इसमें सबसे पहले उन्होंने एक लैंग्वेज के बारे में एक्सप्लेन किया है, बेसिक। बेसिक स्टैंड फॉर, उन्होंने आपके सामने एक लैंग्वेज के बारे में एक्सप्लेन किया है, कौन सी लैंग्वेज आपकी, बेसिक। बेसिक क्या है, इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक स्टैंड फॉर बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड। बेसिक स्टैंड फॉर बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड। बेसिक स्टैंड फॉर बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड। बेसिक इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक क्या है, आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट बिगन एंड फाइंड इजी टू लर्न फॉर यूज। यानी आप उसको इजीली लर्न कर सकते हैं।
बेसिक इज अ सिंपल एंड इंटरेक्टिव. ये बहुत ज्यादा सिंपल है और इंटरेक्टिव लैंग्वेज है. इट यूजेस सिंपल इंग्लिश वर्ड्स. इसके अंदर आप सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं, सुनते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. टू गिव कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस, आप उसमें कमांड्स दे सकते हैं. कमांड्स के बारे में आपने पढ़ा था, कोई भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं टू द कंप्यूटर. इट ऑल्सो सम एडवांस फीचर यूज टू एक्सपर्ट प्रोग्रामर. इसके अंदर कुछ ऐसे एक्सपर्ट फीचर हैं, देन यू कैन बी एबल टू अ एक्सपर्ट प्रोग्रामर. नेक्स्ट आपके पास गिवन है पेज नंबर 59 पे, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अदर देन बेसिक्स. बेसिक्स के अलावा आप इसके अंदर कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम लिख सकते हैं. आप इंटरनेट से भी सर्च करके लिख सकते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में. फिलहाल मैं आपको खुद भी बता देती हूँ. एक आप इसमें राइट कर सकते हैं जावा, JAVA, जावा. जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. उसके बाद है कोबोल, COBOL, कोबोल, कोबोल. नेक्स्ट है फोर्ट्रॉन, FORTRAN, फोर्ट्रॉन. नेक्स्ट है कोबरा, COBRA, कोबरा. दे आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वंस अगेन आई विल रिपीट, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जावा, कोबोल, फोर्ट्रॉन, कोबरा. तो आप इसके अंदर खुद से भी अगर आपको कोई लैंग्वेजेस के बारे में पता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनके ऊपर हम अपने टास्क को डन कर सके, देन यू विल बी एबल टू एक्सपर्ट प्रोग्रामर. सो यू कैन राइट डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस नेम. नेक्स्ट आपके पास गिवन है पेज नंबर 60 पे, एक्सप्लोर विद दिस. उसमें गिवन है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू शो द स्टेप यू टेक एवरी मॉर्निंग टू गेट रेडी फॉर स्कूल. यानी आपने फ्लो चार्ट डिजाइन करना है. सिंपल स्टार्ट मेन्यू, यू कैन यूज द स्टार्ट सिंबल. स्टार्ट आपने इसी तरह करना है जब आप स्कूल रेडी होती हैं. देन आप लोग क्या करते हैं स्कूल जाने के लिए, वेकअप, फजर प्रेयर, नमाज पढ़ते हैं आप, फिर प्रिपरेशन करते हैं स्कूल की कि आपने स्कूल जाना है. फिर आप क्या करते हैं जब रेडी हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं. ओके, इसमें गिवन है पेज नंबर 60 पे, ड्रा अ फ्लो चार्ट टू शो द स्टेप्स यू टेक एवरी मॉर्निंग टू गेट रेडी फॉर स्कूल. सबसे पहले ओवल सिंबल आपने यूज करना है स्टार्ट और एंड के लिए, ठीक है. ओवल सिंबल इज यूज टू स्टार्ट एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम. देन यू कैन वेक अप, यू कैन यूज द वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम. उसके बाद फजर प्रेयर, आपने नमाज पढ़नी है. प्रिपरेशन फॉर स्कूल, आपने स्कूल के लिए प्रिपरेशन करनी है. देन आप ब्रेकफास्ट करते हो एंड देन गोइंग टू स्कूल. तो आप इस तरह इन स्टेप्स को माइंड में रख के आप एक सिंपल सा फ्लो चार्ट डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट फ्लो चार्ट जो आपकी बोर्ड पे गिवन है. उसके बाद फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं, ये आपको आपके नोट्स में अवेलेबल होंगी. उसके बाद विज क्विज हैं, वो भी आपने अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करनी है. जो भी आपको नोट्स मिलेंगे आपने उसको अपनी नोटबुक पे राइट करना है, ठीक है. योर डायरी इज लर्न ऑल एक्टिविटीज प्लस विज क्विज ऑफ चैप्टर नंबर 7. लर्न ऑल एक्टिविटीज प्लस विज क्विज ऑफ चैप्टर नंबर 7. आपके पास जितनी भी एक्टिविटीज आपकी बुक में आई है, लाइक आपका फ्लो चार्ट, आपके डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, या आपने कोई भी डिजाइन करना है सिंपल मॉर्निंग का फ्लो चार्ट, तो आपने उसको डिजाइन करना है तो आपने अपनी बुक पे भी करना है और अपनी नोटबुक पे भी आप उसको इजीली डन कर सकते हैं. वंस अगेन आई विल रिपीट ऑल द टॉपिक्स. व्हाट इज प्रोग्राम? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम. कमांड, एनी इंस्ट्रक्शन दैट इज गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड कमांड. स्टेप बाय स्टेप मैनर इज कॉल्ड एल्गोरिथम. फ्लो चार्ट, अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट. एनी इंस्ट्रक्शन दैट इज गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम. ब्लॉक डायग्राम इज अ गुड फीचर टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. क्लियर? यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल गैरिसन स्कूल सिस्टम एंड मस्ट लाइक आवर पेज गैरिसन स्कूल सिस्टम. थैंक यू वेरी मच. I love